अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयान मोबाइल। और आज एक नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जेस डिजिट की तरफ से एक न्यू मॉडल आया है जिसका नाम है एनर्जी मैक्स, जो कि पहले आप सीरीज देख चुके हैं जिसमें डिजिट एनर्जी 4G और इसके अलावा यूट्यूब प्रो वगैरह आते थे। लेकिन ये बड़ी स्क्रीन में एक फोन आया है, 3.5 इंच इसकी टच स्क्रीन है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा इसमें स्पीकर है। बात करेंगे इसके मेमोरी वगैरह की और इसके स्पेक्स वगैरह की। बॉक्स के ऊपर इसके कुछ स्पेक्स मेंशन है, टाइप सी चार्जिंग जैक, इसके अलावा ड्यूल एलईडी टॉर्च लाइट, ड्यूल सिम, और इसके अलावा 3.5 इंच लाउड स्पीकर वगैरह। तो हम अनबॉक्सिंग की तरफ चलेंगे और इसके स्पेक्स वगैरह के बारे में आपसे बात करेंगे। बात की जाए इसको रैम की, तो 1 GB आपको मिल जाती है इसमें और 8 GB की स्टोरेज मिल जाती है। कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है। ड्यूल सिम के साथ ये फ़ोन आता है। 3.5 इंच की IPS स्क्रीन आपको इस फ़ोन में मिल जाती है। बॉक्स में बात करते हैं तो सबसे पहले डिवाइस मिल जाएगी, उसके बाद इसका चार्जर और उसकी केबल मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बॉक्स में कुछ पेपर वर्क वगैरह मिल जाएंगे। बैटरी की बात करते हैं तो आपको बॉक्स में इंक्लूड 3000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। इस फोन का नाम एनर्जी मैक्स रखा गया है, लेकिन इसमें मैक्स सिर्फ स्क्रीन को किया गया है, क्योंकि जो एनर्जी मॉडल आता था उसमें भी 3000 mAh की बैटरी आपको मिल जाती थी, लेकिन इसमें आपको भी 3000 mAh की बैटरी मिल जाती है। इसके अलावा इसके स्क्रीन वगैरह की बात करते हैं तो वो 2.8 से आपको 3.5 तक ये अपग्रेड हो गई है। कलर वगैरह की बात करते हैं तो आपने रेड कलर की अनबॉक्सिंग करी है, इसमें आपको काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन मिल जाता है। ऊपर की साइड पर आपको 2 टॉर्च लाइटें मिल जाती है। बैक कवर हटाएंगे, इसके सिम वगैरह के स्लॉट्स आपको दिखाएंगे। आपको इसमें ड्यूल सिम सेटअप मिल जाता है, एक बहुत ही बड़ा पावरफुल स्पीकर आपको मिल जाता है। ड्यूल सिम है और एक मेमोरी कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं। एनर्जी मैक्स इसका मॉडल नंबर है। इसको ऑन करते हैं और इसके डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो आपको एक नॉर्मल कीपैड वाला मॉडल आपको मिल जाएगा। बात करें इसके कंपटीटर्स की, दूसरी कंपनी के, तो गोलमी का स्पार्क 4G आपको मिल जाता है इसके सेम रेंज में, क्योंकि इसके प्राइस टैग भी 10,000 रुपये हैं, जबकि उसके भी 10,000 रुपये के प्राइस टैग है, लेकिन उसमें आपको प्ले स्टोर वगैरह और 2 GB 16 GB मिल जाता है। बॉडी की बात करते हैं तो नीचे साइड पर टाइप सी और साइडों पर आपको पावर बटन और वॉल्यूम रोकर्स मिल जाते हैं। स्क्रीन की बात करते हैं तो आपको IPS डिस्प्ले मिल जाता है, टच स्क्रीन। बाकी इस फोन में आपको रैम 1 GB और 8 GB स्टोरेज मिल जाती है। IPS डिस्प्ले, डिस्प्ले का रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इसको पहले हम स्पीकर को टेस्ट करेंगे, इसके बाद हम आपसे बात करेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त स्पीकर की आवाज़ है इसकी, बहुत ही बड़ा स्पीकर लगा हुआ है। तो इसको पहले टेस्ट करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। जब तक आप बटन पर नजर मान ले, आपको एक ओके होम का बटन और एक बैक का बटन मिल जाएगा। तो पहले इसका साउंड चेक करते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो स्पीकर को हमने चेक कर लिया है। बाकी कोई ऑप्शन अगर आपको बता चेक करने हो या आपने चेक करवाने हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट्स पर शॉर्ट वीडियो बना लेंगे। इसके बाद इसके सेटिंग वगैरह की बात करते हैं तो आपको इसमें ड्यूअल बैंड का 5G और 2G वाईफाई मिल जाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी वगैरह की बात करें या डिस्प्ले की बात करें तो आपको IPS स्क्रीन मिल जाती है। डिस्प्ले में आपको ब्राइटनेस वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आम एंड्रॉयड में आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ये एक नॉर्मल सा फोन है। स्टोरेज की बात करते हैं तो 8 GB की स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंड आप इसको कर सकते हैं, इसमें आप कार्ड लगा सकते हैं। इसको बैक करेंगे और इसके बाद इसके थोड़ा सा अबाउट फोन में चलेंगे। अबाउट फोन की बात की जाए तो इसमें इतने कोई ऑप्शन नहीं मिलते हैं। वाईफाई, मैक एड्रेस वगैरह, बिल नंबर, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सिस्टम में आपको हार्ड रीसेट वगैरह मिल जाएगा, डेट एंड टाइम की सेटिंग मिल जाएगी, और इसके अलावा सिक्योरिटी में आपको स्क्रीन लॉक मिल जाएगा, जिस पर आप पिन लगा सकते हैं और इसको आप नॉर्मल रख सकते हैं। तो ये ही इसकी सेटिंग है। कुछ नेटवर्क वगैरह में चलते हैं तो आपको यहाँ पर सिम की सेटिंग और वाईफाई वगैरह मिल जाते हैं, जिसमें ड्यूल बैंड वाईफाई है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यही है ये फ़ोन और इतना इसमें कोई ख़ास फीचर्स नहीं है। दूसरी बात, अगर कोलमी स्पार्क 4G की करें तो आपको उसमें काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। कैमरे की बात करते हैं तो नॉर्मल आपको स्मार्ट कैमरा इसमें मिल जाता है, जिसमें आपको 2 मोड मिल जाते हैं, वीडियो और फोटो मोड, और इसके अलावा प्रो मोड मिल जाता है। फ्रंट कैमरा भी आपको इसमें अच्छा खासा मिल जाता है। इसमें इस वीडियो में हमने डिजिट एनर्जी मैक्स की अनबॉक्सिंग की है, क्योंकि आप भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे, इस वजह से हमने अनबॉक्सिंग की है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ, ताकि हमें बूस्ट मिले। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे एक दूसरी वीडियो में एक न्यू मॉडल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।